सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने आर्स ड्यूक का जो फ्रंट ब्रेक का जो ये जो पार्ट आता है ये पूरा ही चेंज करवाना है। पूरा जो पंप सिस्टम आता है इसका वो चेंज करवा देना, क्योंकि इसका ब्रेक है ना, देख लो ये देख लो पूरा दब चुका है, पूरा दब जा रहा है। सो इसलिए इसे चेंज करवाना है इसे। एंड अपना टायर भी है, टायर भी चेंज करवाना है। पीछे से आरसी पे सैमी आ रहा है, सैमी को यहाँ पर आरिफ भाई के यहाँ पर टायर रखवा देंगे बर्नआउट करके, फिर और अक्कलकुआ जाना पड़ेगा हमें टायर लेके। तो हम जाएंगे अभी अक्कलकुआ, बाइक का जो वर्क है वो करवा लेते हैं पहले, फिर आधा वर्क बाकी रहेगा वो पूरा करवा लेंगे। एंड गाइस मैंने हैंडल वेट्स भी लगा लिए, क्योंकि ज़्यादा हैंडल हिल रहा था ना इसलिए मैंने हैंडल वेट्स लगा लिए। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा हाई स्पीड पे, थोड़ा बहुत तो भी मतलब फर्क गिर जाएगा, इसके लिए लगवा लिए मैंने। एंड ये देखो सैमी आ चुका है, इसके टायर किसे लेके जा रहा है भाई, यहाँ पर रख देना आरिक के यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बर्नआउट मारेंगे और फिर टायर खोल के मैकविल खोल के लेके जाने वाले हम लोग साथ में। टायर रख दे, हम आते एक मिनट। हाँ मैंने टायर रखवा दिया एंड अभी हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे, इसका काम करवाना है। यार हमारे यहाँ पर वर्कशॉप नहीं अच्छे है तो प्रॉब्लम आती। ड्यूक लेके जाने वाले थे बट वो काम भी था मेरा, इसके लिए हम लोग सिर्फ सामान पहुँचाने गए थे। दीदी वहाँ पर रहती तो दीदी को सामान पहुँचवाने गए थे, तो सामान ज़्यादा था इसके लिए टू व्हीलर नहीं लेके गए थे, और इसका सामान भी लेके आए हम लोग। तो पूरा वो करवा लेंगे, इसका रेडी टू रेट्स करवा लेंगे और हम जाएंगे फिर नासिक की ओर। और इसका इंजन लाइट क्यों आ रहा है यार पता नहीं, अभी वर्कशॉप में एक बार दिखवाना पड़ेगा। और एंगल कैसा आ रहा है बताइए मुझे। तो गाइस चलते हैं, पहुंचते हैं अक्कलकुआ। वाइजर डाउन, गियर डाउन, भाई करता था। स्किल बढ़ रहे धीरे धीरे, और टायर डलवा लेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। अभी डर लगता है बहुत ज़्यादा, बाइक हिलती है यार। टायर डलवा लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बाइक चलाने। क्रैकलिंग कैसी आ रही है बताइए आपका मिक्स सेक्शन में। आते टाइम फ्यूल भरवा लेना पड़ेगा, फ्यूल कम है ऐसा लग रहा है। ओ भाई बहुत दिनों के बाद ऐसी चला रहा हूँ यार भाई। अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, फिर वैसे वैसे बाइक चलाते जाएंगे हम लोग। एंड टायर डलवा देंगे तो भाई अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलते हैं वर्कशॉप पे एंड इसका फाइनल करवाते हैं मेकओवर पूरे बाइक। एंड इसकी ग्राफिक्स भी मैंने निकाली हुई है तो जल्दी हो जाएगा। नासिक में जाके हम लोग ग्राफिक्स करवा लेंगे यहाँ पर ये दोनों पार्ट, एंड कलरिंग भी करवानी है। तो फिर आप सजेस्ट कीजिए हमें कौन सा कलर करा जाए। चलो जाते हैं,
जो अच्छे वर्क करते वो यार उनका वर्कशॉप छोटा रहता है, क्या करेगा अभी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और X3 किट का तो इतना प्रॉब्लम आ रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पैर लंबे एंड थोड़ा पैंट में इशू आ रहा है, अटक अटक जा रही। तो गाइस पहुंच गए हम लोग एंड करवा लेते इसका वर्क। सो गाइस हो गया हमारा वर्क। ये छोटू क्या बोल रहा है, ये और पीछे भी डलवा लेना है ऑयल, बचेगा तो बहुत बचेगा क्या बोलो जुबा केसरी। अब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अभी प्रेशर आएगा फिर वो प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और वो रहे अपनी आर से, क्योंकि बर्नआउट मारना था तो फिर प्रेशर क्रिएट करवाना था, क्योंकि वो पहले ऐसा ही दब जा रहा था ब्रेक, तो बर्नआउट नहीं होता अच्छे से। तो अभी ये भाई कर दे रहे, और पीछे की ABS प्लेट भी लगवानी है हमें, और ये ओल्ड वाला। तो गाइस इसमें ऑयल ही नहीं था, तो अभी ऑयल पूरा टॉप अप करवा रहे। और ये देख सकते हो आप लोग, ABS का वर्क हो गया, ABS की प्लेट डाल दी, पूरा वर्क हो गया। अभी टायर चेंज करवाना है, टायर चेंज करवा के फिर अभी बर्नआउट आएगा इस पे। सो गाइस वर्क हो चुका है एंड अपना ब्रेक भी बहुत अच्छे से लग रहा है, अभी बर्नआउट बहुत अच्छे से मार सकते हैं हम लोग। तो गाइस चलते एंड जाते हैं टायर चेंज करवाते, और ब्रेक भी बहुत मस्त लग रहा है, और पुराना वाला जो ब्रेक का सिस्टम है वो ही ले लिया है मैंने। तो गाइस चलते हैं अपनी RC एंड वहाँ पर बर्नआउट मारेंगे, फिर और टायर लेके आना पड़ेगा हमें बाइक पे। चलो चलते, अभी दोनों ब्रेक अच्छे से लग रहे हैं, अभी ये इसी रुकना चाहिए बाइक। और पूरे लाइट गायब हो चुके हैं, पहले ABS का लाइट आ रहा था, तो अभी ABS का लाइट नहीं आ रहा है। एंड जयू भाई का भी वर्क था, बट मेरा ही वर्क नहीं पूरा हो रहा, तो इसलिए। तो गाइस ऐसी प्लेस ढूंढते हैं, वहाँ पर कोई आएगा नहीं वैसे प्लेस ढूंढते, एंड डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पहले फ्यूल अप करवा लेते फिर बर्नआउट मारेंगे। तो गाइस आपको मिलता हूँ मैं आगे, और बर्नआउट का आपको सीन चेक करवाता हूँ। तो गाइस थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं, फिर प्रेशर निकालेंगे टायर में से, और ये हमारे ड्राइवर है क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, फिर थोड़ा देखो। हो गया, किधर मारू रे, सामी को बुलाते एंड आपको सिनेमेटिक चेक करवाते। आफ्टर बर्नआउट देखो क्या हाल होता है, तोड़ना पड़ेगा क्या, तोड़ना पड़ेगा, मैं टूटने तो वाले नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, सीन टायर भी नहीं निकल रहा हमारा, तो बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ काट के वो टायर, हाँ पकड़ेगा वो, टेंशन मत ले उसका, वो साइड ही है रे तार ज्यादा, ये साइड में नहीं। अपना
टायर भी लगवा दिया है एंड बर्नआउट भी कर दिया है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मैं नासिक जाने वाला हूँ तो अभी व्लॉग आते रहेंगे और सपोर्ट करते रहना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।